इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द मोस्ट एक्साइटिंग मैच लाइव होगा। पता नहीं यार ये बॉलीवुड वाले कॉपी करना कब छोड़ेंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो ये मेरा फिफ्थ व्लॉग है, फिफ्थ या सिक्स व्लॉग है शायद, और मैं पूरे 5 दिन बाद व्लॉग डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे हो गया था बहुत ज़्यादा फीवर। ना मुझसे बोला जा रहा था, ना मुझसे चलाया जा रहा था, ऑफिस भी मैं नहीं जा रहा था। पूरे 5 दिन तक ऑफिस नहीं गया हूँ, आज 5 दिन बाद ऑफिस जा रहा हूँ मैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. So finally office पहुंच गया हूं मैं। पूरे 5 दिन बाद ऑफिस आया हूं आज। फीवर हो रहा था बहुत बुरे वाला, बुरा मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा था, और टॉन्सिल्स अभी भी हो रहे हैं, बोला मुझसे जा नहीं रहा ढंग से। सो गाइज अभी बज रहे हैं 3:30 और मैं ऑफिस से निकल गया हूँ घर के लिए। परसों यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है। सो गाइज 2 सितंबर को एशिया कप 2023 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान द मोस्ट एक्साइटिंग मैच लाइव होगा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, और मैच हो रहा है श्रीलंका में, तो मज़ा आने वाला है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऑलवेज एक्साइटिंग मैच होता है, देखते भाई कौन जीतेगा। जीतेगी तो ऐसे इंडिया ही, ऑब्वियस है ये तो, बट कुछ कह नहीं सकते भाई। SRK की मूवी आ रही है एक जवान, उसमें जो उसका बॉल्ड लुक है वो कॉपीड है ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स पे। पता नहीं यार ये बॉलीवुड वाले कॉपी करना कब छोड़ेंगे। SRK ने उस पर ट्वीट भी करा था ट्विटर पे कुछ टाइम पहले, तो उसी से कॉपी किया हुआ है पूरा, देख लेना गूगल कर लेना। वरना ये लोग और बॉल्ड लुक में कभी आए पॉसिबल ही नहीं है भाई। और वो सबसे फेमस, बहुत फेमस है ब्रेकिंग बैड ना नेटफ्लिक्स पे, उसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। कितना कॉपी करते हैं अरे बॉलीवुड वाले। तो भाई 5 दिन से मैं ऑफिस तो नहीं जा रहा था, ऑफिस तो छोड़ो फ़ोन पकड़ने की मेरी हालत नहीं थी, इसलिए 5 दिन तक कोई ब्लॉग नहीं आया। बट इन 5 दिनों में एक अच्छी चीज़ हुई, 5 दिनों में एक अच्छी चीज़ हुई, मेरे 220 से ज़्यादा फॉलोअर्स 5 दिनों में बढ़ गए, अच्छी बात है, मोटिवेशन मिलती है ऐसे करने की। I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. So guys, मैं आ गया हूँ घर पे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में परसों। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, डू लाइक एंड सब्सक्राइब।